स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टैक देख रहे थे। इससे पहले वाला वीडियो मैंने स्टैक पर बनाया था। स्टैक क्या है, उसका ऑपरेशन, पुश, पॉप, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, यदि वो सब आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। आज की क्लास में इसके अनुप्रयोग देखेंगे, एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं आप लोगों को नोटेशन बताऊंगा। ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक करके भी बनता है, दूसरा स्टैक नोटेशन करके भी क्वेश्चन आता है। आगे आपको पता चल जाएगा नोटेशन, जिसमें आपका तीन प्रकार होता है। एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है आपका पोस्टफिक्स और एक होता है आपका इनफिक्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहे हैं उस पर जाके आपको ऑल बटन को प्रेस कर देना है ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अनुप्रयोग में मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पर एप्लीकेशन का हम लोग स्टैक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, रन टाइम में यदि आपको देखना है कि लोकल वेरिएबल क्या कर रहा है या कौन से पोजीशन में है, उसका पता लगाना है, ट्रैक करना होता है पता लगाने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि भाई देखिए, जैसे कि कितने वेरिएबल हैं उसमें से कौन से नंबर का वेरिएबल अभी वर्तमान में आपका जो है प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है। क्योंकि देखिए, प्रोग्राम रन होता है तो स्टैक में क्या होता है, हमारा ऐसे इसी फॉर्म में रहता है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सा जो वेरिएबल है उसको, वो कहाँ पर है, उसको ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए स्टैक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर रहता है, जैसे देखिए इसी में कुछ लिख रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो क्लास लिखा, ठीक है। अब मैं यदि कंट्रोल प्लस जेड दबाऊँगा, अंडू का क्या होता है आपका शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस जेड, तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस जेड दबाऊँगा तो क्लास हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडू को परिभाषा है कि लास्ट में आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको वो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, उससे पीछे चला जाता है। तो यहाँ से क्लास हट जाएगा। ये देखिए, जैसे मैं देखो मैं अभी बैक बटन दबा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, पीछे एक एक स्टेप जा रहे हैं कि नहीं जा रही, देखिए हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका अंडू, तो अंडू ग्रुप में भी, क्योंकि स्टैक में होता क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे देखिए हेलो के बाद मैंने क्लास लिखा, तो यदि मैं डिलीट कर रहा हूँ, बैक बटन दबा रहा हूँ, तो पहले देखिए हेलो हटेगा फिर क्लास हटेगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। मैं इसको करके दिखा दिया आपको, ये देखिए जैसे कि एकदम ब्लैंक कर देता हूँ, देखिए जिसमें से एच ई एल एल ओ, ये देखिए। अब मैं इसमें यदि अंडू करूँगा तो ये देखिए पहले ओ हटेगा फिर एल हटेगा, फिर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जी फर्स्ट में जो है वो लास्ट में हटेगा, क्लियर है क्या। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट में, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है, जैसे देखिए ये आपका मेमोरी है, यहाँ पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, इसके बाद कौन सा डेटा आएगा, इसके बाद कौन सा डेटा है, इस प्रकार से उसको मैनेजमेंट करने के लिए। सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है, देखिए अगर आप फंडामेंटल में पढ़े हैं तो, जैसे ये देखिए आपका प्रोसेसर है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 2 3 ऐसे तीन प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, या मोबाइल के टर्म्स में कहूँ ये तीन एप्लीकेशन है जो आपका जो है मोबाइल में अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, एक टाइम पे तो एक ही प्रोग्राम रन हो सकता है, भले आपको लगता है तीनों चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये चलता है, फिर कुछ समय के लिए चलता है, कुछ समय के लिए चलता है। तो इसमें कौन से नंबर के एप्लीकेशन किस टाइम पे प्रोसेसर को यूज़ करेगा, ये सब चीज़ को सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग जो है यहाँ पर भी जो है आपका स्टैक का प्रयोग होता है, क्लियर है क्या। देखिए ये जो पहला वाला जो स्लाइड में जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ग्राफ में भी आपका यूज़ होता है, ग्राफ में अभी तो ग्राफ आपने खैर पढ़ा नहीं है, बट ग्राफ में ट्रेवर्सल के लिए, जैसे ये आपका ऐसे ग्राफ रहेगा तो पहले किधर जाएगा कौन जाएगा ऐसे उसको देखने के लिए। तो ये जो पहला स्लाइड है बेटा, ये सिर्फ थ्योरी और आपके एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको पढ़ाया है, बट इसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड जो मैं बताऊँगा, ये वाला नोटेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक आएगा तो आपको स्टैक का परिभाषा बताना पड़ेगा, स्टैक में आपको पुश और पॉप बताना पड़ेगा, पुश पॉप क्योंकि अलग क्वेश्चन से नहीं आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्टैक को परिभाषित कीजिए और एप्लीकेशन बताइए। तो वहाँ पे स्टैक का परिभाषा, पुश पॉप के बारे में बताइएगा, और डायरेक्ट आप चाहेंगे तो यहाँ इस स्लाइड से भी आप लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्लियर है क्या। बट डायरेक्ट मैं आपको ये एग्जाम्पल बताता तो आपको थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने पहला स्लाइड में थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है, क्लियर है क्या। तो देखिए तीन प्रकार का नोटेशन होता है स्टैक को प्रदर्शित करने के लिए, एक होता है प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, क्लियर है क्या। कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। तो कहता है कि स्टैक का प्रयोग जो है यहाँ पर प्रीफिक्स पर, पोस्ट में और इनफिक्स में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने, जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे ये देखिए मैंने एक फार्मूला लिख दिया ए प्लस बी, तो यहाँ पर देखिए ए और बी ना आपका ऑपरेंट है, दो व्यंजक है, और बीच में जो प्लस लिखा है बेटा वो चिन्ह है, मतलब वो ऑपरेटर है। यहाँ पे प्लस जो है माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है
ए प्लस बी और इसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? तो देखिए, जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे ए प्लस बी लिखें या ए माइनस बी लिखें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके दो वैल्यू की आवश्यकता होती है। जैसे ए और बी दो ऑपरेंट है, दो व्यंजक है, ठीक है, और बीच में क्या लगा रहता है, ऑपरेटर लगा। जैसे मैं कहूँ दो वेरिएबल को घटाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं या सी माइनस डी भी लिख सकते हैं। तो ये जो व्यंजक है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ 2 + 3 करूँ, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है आपका, अभी ये क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया। 2 और 3 का मान हमेशा 5 आएगा। लेकिन मैं यदि ए और बी कहूँ, तो वहाँ पे ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑपरेंट है और ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। क्लियर है क्या? तो दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है आपका, ऑपरेंट होता है और ऑपरेटर होता है। उसी के आधार पर चलिए मैं क्या करके बता रहा हूँ। तो इनफिक्स कहता है कि जो भी आपका जो चिन्ह है, जो ऑपरेटर है, वो हमेशा बीच में रहेगा। दो ऑपरेंट के बीच में यदि ऑपरेटर है तो वो इनफिक्स, इन मतलब बीच में, सेंटर में। क्लियर है क्या? इसी चीज़ को देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे आप ए प्लस बी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो ए और बी जो दो ऑपरेंट है प्लस ऑपरेटर है, तो जो ऑपरेटर है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऑपरेंट के बीच में रहेगा। उसी प्रकार से जो इन आपका प्रीफिक्स है, प्री मतलब पहले, तो देखिए ए प्लस बी ये तो बीच में था ऑपरेटर। अब यदि ऑपरेटर को मैं दोनों के पहले ले आऊँ, प्री मतलब पहले, तो प्लस पहले आ जाएगा, ए और बी ऐसे लिखाएगा, ये देखिए प्लस ए बी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि आप ए बी लिखे हैं और प्लस आपका कहीं लास्ट में चले गया, इधर अंत में चले गया, तो ये कहलाएगा आपका क्या, पोस्टफिक्स। क्या कहलाएगा आपका, पोस्टफिक्स। पोस्ट मतलब बाद में, तो जो ऑपरेटर है वो सबसे आखिरी में रहेगा, ए और बी जो ऑपरेंट है वो पहले रहेगा। क्लियर है क्या? इन मतलब बीच में, तो बीच में से डाल दो, ए बी को अगल बगल लिख दो। प्री मतलब पहले, तो प्लस को पहले लिख दो, ए और बी को लिख दो बाद में। अब पोस्ट मतलब बाद में, तो प्लस को बाद में लिख दो और ए और बी को ऐसे पहले लिख दो। क्लियर है क्या? ये था आपका। इसमें भी देखिए जितने भी चिन्ह होते हैं बेटा, कोष्टक होता है आपका, वर्ग होता है, ये देखिए गुणा होता है, ये भाग होता है, ये प्लस और माइनस। तो आप लोगों ने बचपन में वार्ड मास का फार्मूला सुना होगा कि पहले भाई कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर जोड़ते हैं और घटाते हैं, है नहीं? उसी कहा जाता है वार्ड मास, ठीक है। वार्ड मास का फार्मूला होता है, पहले गुणा भाग करो भाई, फिर जोड़ घटाव करो, ऐसा करके, ठीक है। देख लो बेटा, कोष्टक जो है उसकी प्राथमिकता सबसे उच्चतम होती है। कोष्टक को पहले तोड़ना रहता है, फिर वर्ग को तोड़ना रहता है, फिर गुणा भाग का समान प्राथमिकता होता है। मतलब गुणा और भाग की प्राथमिकता सेम होती है, गुणा भाग में जो पहले आएगा उसको पहले करिए, ऐसा है। उसी प्रकार से जोड़ और घटाव की प्राथमिकता बिल्कुल बराबर रहती है, प्लस माइनस जो पहले आएगा उसको पहले करो। इसीलिए देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाएं से दाएं, आप लेफ्ट से राइट की ओर जो पहले आएगा उसको पहले करना है। किसके केस में, जिनकी प्राथमिकता बराबर है, जैसे गुणा और भाग की बराबर है तो जो पहले आएगा उसको पहले करोगे, जोड़ घटाव की प्राथमिकता बराबर है तो पहले करोगे। बट कोष्टक, कोष्टक में भी देख लो, 2-3 प्रकार का कोष्टक होता है बेटा। छोटा कोष्टक बोलते हैं इसको, सर्पाकार कोष्टक बोलते हैं, फिर ये बड़ा कोष्टक। तो पहले आप छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर सर्पाकार, फिर बड़ा कोष्टक को। क्लियर है क्या? देखिए उदाहरण के लिए मैंने इधर देखिए एक उदाहरण लिया है, फिर उसको इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में भी कन्वर्ट करके मैंने दिखाया है। जैसे देखिए पहला वाला उदाहरण को समझिए, एक्स प्लस वाई, तो प्लस कहाँ है बेटा, बीच में है। तो प्री में क्या होता है, पहले होता है, तो प्लस इस तरफ आ जाएगा, तो ये देखिए प्लस एक्स वाई हो गया। और पोस्ट में क्या होता है, आखिरी में, तो प्लस आखिरी में चले जाएगा, तो ये देखिए आपका एक्स वाई और प्लस आखिरी में चले गया। क्लियर है क्या? उसी प्रकार से दूसरा वाला उदाहरण को देखिए। अब देखिए प्लस और माइनस दोनों हैं, फोकस करिए आप थोड़ा सा, प्लस और माइनस दोनों है, तो हमने क्या कहा था, प्लस और माइनस दोनों का प्राथमिकता बराबर रहता है, तो जो बाएं से दाएं जो पहले आएगा उसको पहले करना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए बाएं से दाएं आप बढ़ेंगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा आपका, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो पहले देखो लेफ्ट से राइट गए तो ये आया, तो पहले इन दोनों को प्राथमिकता दो, तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस जेड हो जाएगा। समझिए बात को, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, इस पर फोकस करिए, प्लस एक्स y माइनस जेड। अब देखो इनका काम तो हो गया, अब वो सिंगल बन गए हैं। अब हमारे पास कौन कौन बच गया, ये बच गया आपका, ये वाला एक बच गया बेटा, और एक ये हो गया, क्योंकि इनके बीच में ये माइनस है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिख के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो आपका एक पेयर बन गया ना वो, अब उसको अलग अलग नहीं कर सकते आप, ये एक्स वाई हो गया और फिर आपका हो गया बेटा जेड। तो ये देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्लियर हुआ क्या? जिस पर आपका ऑपरेशन हो गया वो आपका एक बन जाता है। उसी प्रकार से यदि इसी को हम क्या करें, प्रीफिक्स करें, प्रीफिक्स हो गया, पोस्ट फिक्स करते हैं, तो एक्स वाई और ये देखो ऐसे प्लस हो जाएगा बेटा, ये सिंगल हो गया और माइनस है और ऐसा आपका जेड है। अब मैं फिर से कहूँगा कि ये तो आपका क्या हो गया, सेपरेट बन गया है भाई, ये आपका एक सिंगल जोड़ी बन गया और ये आपका एक हो गया। अब कैसे करेंगे, लास्ट में भेजना है, तो एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है, ये तो एक है ना आपका, और ये दूसरा वाला लिखे और ये माइनस चले जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे माइनस।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्लियर है क्या। इसके अलावा इसमें देखिए थर्ड वाला को देखिए, तो थर्ड में देख लो भाई प्लस और गुणा है, तो गुणा वाले को पहली प्राथमिकता देते हैं हम, गुणा की प्राथमिकता ज़्यादा है ना जी मल्टीप्लिकेशन की। तो ये बनेगा एक जोड़ी बनेगा, तो एक जोड़ी बनेगा तो कैसे लिखोगे, वाई जेड अप्री है तो पहले, ठीक है ये देखो ऐसे हो गया। और यहाँ पे क्या है प्लस बेटा, इसको एक काम करते हैं मैं अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो माइनस अलग हो गया यहाँ पे ऐसे, और आपका बचा क्या है इधर, इधर बचा हुआ है आपका x, तो x को लिख दिया। अब देखिए ये तो आपका एक जोड़ी बन गया, ये एक आपका x बचा हुआ है, अब कैसे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x मल्टीप्लीकेशन का सीन और यहाँ पे yz, ये देखो अच्छा प्लस है क्या, ये प्लस था तो ये देखो प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देख लो भाई प्लस और गुणा में किसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है, गुणा की, तो पहले गुणा को किए हैं, ये तो और ज़्यादा आसान। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पहले अब क्या लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्लस मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो कोष्टक दिया हुआ है, पहले कोष्टक को तोड़ोगे आप, कोष्टक दिया कि नहीं दिया जी, देखो ब्रैकेट दिया ना, ये क्या हो जाएगा बेटा वाई जेड को एक साथ लिखोगे, माइनस को पहले लिखोगे माफ़ करिएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस कर लो और यहाँ पे एक्स को कर लो, ये आपका एक जोड़ी बना है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका एक्स प्लस को सामने लिखोगे और माइनस वाई जेड, ये देख लो भाई इस प्रकार से ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं और भी कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको करके दिखा रहा हूँ ये देखिए जैसे आपको दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस सी, इसको पोस्ट फिक्स में आपको बदलना है। तो देख लो प्लस और माइनस का प्राथमिकता किसकी ज़्यादा होती है, तो प्लस और माइनस की प्राथमिकता बराबर होती है, जो पहले आएगा उसको पहले करोगे। तो देखो प्री पोस्ट बनाना है, तो पोस्ट मतलब आखिरी में जाएगा, तो देखो कैसे करोगे आप, ए प्लस बी इसको पोस्टक में डाल ले बेटा, इसको माइनस सी लिख ले, ठीक है, क्योंकि प्लस पहले आया, अब ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा, क्लियर है क्या। और देखो इसको आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए, वो एक है भाई, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस इस तरफ आएगा, तो माइनस को पहले लिख लो, पहला जोड़ी को लिख लो ए बी प्लस, और दूसरा क्या है सी को यहाँ नीचे उतार दो, ये देखो तो ए बी प्लस सी माइनस, ये देखो वही चीज़ें किया हुआ है, ये ए बी प्लस को अलग करोगे, उसके बाद देख लो बेटा आपका सी क्या हो जाए, यहाँ से माइनस इस तरफ आएगा तो सी इस प्रकार से ऐसे लिखाएगा। दूसरा उदाहरण देखो ये देखिए इसमें देखो गुणा दिया है, फिर प्लस दिया, फिर भाग दिया है, आप सबको पता है कि गुणा और भाग की प्राथमिकता बराबर होती है, लेकिन चूंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे पहले गुणा दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो उसको कोष्टक में डाल दिया है, दिख रहा क्या, देखो इसको कोष्टक में डाल दिया, अब ये क्या हो जाएगा ए बी और पोस्ट फिक्स है तो गुणा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ये देखिए मैंने कर दिया। अब देखिए आगे बढ़िए तो प्लस मिलेगा और फिर आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा भाग, तो भाग की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, तो ये देखिए क्या करेगा, डिवाइड की जो प्रेसिडेंस होती है प्राथमिकता उसको हाई होती है लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी तो माइन गुणा हो गया था और भाग किसके किसके बीच में है, सी और डी के बीच में है, तो सी डी और ये देखो ऐसे आगे भाग बाहर में चले जाएगा और प्लस जो बचा उसको बीच में, प्लस को बीच में से लिखोगे, ये एक है, ये एक है और बीच में से प्लस है। अब जब आप इसको पोस्ट फिक्स करोगे तो ये प्लस यहाँ चले जाएगा, तो ये प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, ए बी मल्टीप्लीकेशन सी डी डिवीज़न और प्लस ऐसे, तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया है, देखिए ठीक है ये बन गया आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन, कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार एक और कर देते हैं, इन फिक्स का भी देख लेते हैं, ये जो दिया गया इसको इन फिक्स, ये जो है आपका इन फिक्स में है, इसको आपको प्री फिक्स करना था, इसको चेंज कर लीजिएगा, इन फिक्स में तो पहले से ही है, इसको प्री फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्री में क्या होता है, पहले करो, तो पहले कौन आएगा, पहले गुणा आएगा, फिर ए और बी आएगा, ठीक है, या इसको आपको डीप में लिखना है तो देखो फिर मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये देखो पहले गुणा वाला करेंगे तो गुणा आपका सामने आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सामने और फिर प्लस वाले भी सामने आ जाएगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्राथमिकता किसकी ज़्यादा है, तो पावर की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, और पावर किसके किसके बीच में है, तो ये देखो ए डिवाइड कोष्टक में बी पावर सी प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमको तो प्री बनाना है, ये हो जाएगा पावर बी सी, ठीक है ऐसे, और भाग ए और प्लस यहाँ पे बेटा डी। अब देखो मेरा ये बच गया है भाग वाला और प्लस वाला, ठीक है क्या, ये देख लीजिए कर दिया हमने। अब देखिए ये हमारा भाग, भाग वाले कर दें तो भाग को आप सामने लिख लो, ए को लिख लो, पावर बी और सी हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा और प्लस डी, तो ये देखो ये आपका एक हो गया है और ये आपका एक है, तो प्लस को आप ऐसे सामने ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये देखिए
आपका प्लस सामने आ गया डिवाइड, और ये देखो ये इस प्रकार से बन गया आपका प्रीफिक्स। इसको प्रीफिक्स कर लीजिएगा बेटा ना, इनफिक्स में दिया उसको आपको क्या करना है प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, क्लियर है क्या? और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए। उसके बाद इसको इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको प्री में भी कन्वर्ट कर दीजिए और पोस्ट में भी कन्वर्ट कर दीजिए, और इसको आप कमेंट बॉक्स में उसको बना के दिखाइएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, ढाई नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये आपका क्वेश्चन है जो पहले लाइन में लिखा हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ऐसे लिखा रहेगा, व्यय अंक गणित व्यय का मूल्यांकन करिए लिखा रहेगा, और अंग्रेजी में लिखा रहेगा इवैल्यूएशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये आपका क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि ये पोस्ट फिक्स, देखिए इसका क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, देखो इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेक। स्टेक का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, अंक गणित का मूल्यांकन करना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे करते हैं। यदि इसको हम पोस्ट फिक्स में करें तो देखो ये पहले से पोस्ट फिक्स में है, अब इसको हमको इन फिक्स में लाना रहता है, ठीक है। इन फिक्स में कैसे होता है, देखिए आप इसको स्टैक में करेंगे तो ज़्यादा सरल बनेगा, वैसे मैं यही से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंकों को पकड़ते चलिए, एक दो, हमें जोड़ घटा गुणा भाग के लिए कम से कम दो अंक चाहिए। देखो दो लिखा था, दस लिखा था, फिर प्लस दिखा यहाँ पर प्लस, तो वो प्लस किसके कहाँ से आ जाएगा, इन फिक्स कैसे हो जाएगा, ये उनके बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 + 10 हो जाता है। फिर आगे बढ़ने पर 9 मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर क्या मिला, 9 मिला, 6 मिला और माइनस मिला, तो माइनस क्या हो जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा ऐसे। तो ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया है, और लास्ट में जब आपको भाग मिलेगा तो ये देखो ये 2 + 10 हो चुका था, और ये 9 - 6 हो चुका था। ये जो भाग है बेटा वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ऐसे आ जाएगा। बट यदि ये समझ में आता तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको आपको स्टेक की मदद से बनाना है। तो स्टेक में कैसे बनाना है वो मैं आपको सरल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे 2 मिलेगा, पहले मेरा स्टेक खाली था, देख लीजिए खाली था, मैंने 2 को पुश किया, ये देखो ऐसे स्टेक खाली था, मैंने 2 को पुश किया, ठीक है। अब आगे बढ़ा, 10 मिला, मैंने 10 को भी क्या कर दिया उसी में, पहले हमने 2 को किया फिर हमने 10 को वैसे पुश कर दिया, स्टेप बाय स्टेप ना, पहले हमने 2 को पुश किया, पुश करना मतलब स्टेक में वैल्यू को डालना, फिर हमने 10 को पुश किया, अब देखो प्लस आया प्लस को। जैसे ही ऑपरेटर मिलता है तो आप क्या करिए, दो ऑपरेंड ढूंढिए, देखो ऑपरेटर और दो ऑपरेंड, तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह जोड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 12। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे प्लस मिलेगा 10 × 2 = 12 हो गया बेटा, हो गया। अब 12 के बाद देखिए आगे बढ़ने पे क्या मिला, 9 मिला, तो 9 को पुश कर दिया, फिर 6 मिला, 6 को पुश कर दिया, आगे जैसे ही बढ़े हमको क्या मिला, माइनस मिला, ये देखिए यहाँ पर माइनस मिला। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 को पुश करो, 10 को पुश करो, फिर जैसे ही प्लस आएगा तो दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये 12 हो गया। फिर देख लो 9 को पुश किया, फिर 6 को पुश किया, और फिर माइनस को करोगे, ये देखो कैसे लिखा है, ये देखो 12 तो था ही, 9 आया, 6 आया, अब माइनस आया। तो माइनस आया तो ऐसे नहीं भाई कि नीचे शब्दों को घटा दो, ऐसे नहीं, जैसे ही माइनस मिला आप दो कदम पीछे जाइए, सबसे पहले आपको 6 मिला और 9 मिला, तो 9 में से 6 को ऐसे घटा दीजिए, तो 9 में से 6 के बेटा आपका 3 आएगा। ये देखिए आपका 12 था माइनस के, तो इन दोनों को घटा दिए, तो 9 में से 6 गया आपका 3 बच गया। आगे जैसे ही बढ़े आपको क्या मिला, डिवीज़न भाग का चिन्ह दिखा, तो ये देखो क्या बचा था, 12 बचा था, 3 बचा था, भाग का चिन्ह दिखा, तो इन दोनों को भाग कर दो, तो 3 × 4 = 12, तो इस प्रकार से 4 बचा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या। इसी चीज़ को मैं एक और उदाहरण से बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्टेक लेंगे, वहाँ पे 2 को पुश किया, आगे बढ़े, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपको स्टेक की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 2 के बाद हमने 3 को पुश किया, फिर आगे बढ़े, 2 के बाद आया 3 आया, फिर बेटा देखो 10 पुश किए, घबराना नहीं है, बस करते जाना है। अब देखो आगे क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा, तो जैसे ही मुझे प्लस मिलेगा मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, किसको किसको जोड़ूंगा, तो जैसे ही प्लस मिला मैं एक स्टेप पीछे जाया, मुझे 10 मिला, एक स्टेप और पीछे जाया मुझे क्या मिला, 3 मिला, तो 10 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए, तो 10 और 3 को जैसे ही आप आपस में जोड़ोगे, बेटा 2 तो नीचे था ही, ये हो जाएगा आपका 10 और 3 = 13 हो जाएगा, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे क्या मिला, गुणा का चिन्ह मिला, देखो मिल दिखा मल्टीप्लीकेशन का, ये देखिए जैसे ही मुझे मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 13 × 2 = 26 मिलेगा 26। आगे जैसे ही आप बढ़ूंगा मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिला, चलिए आगे क्या मिलेगा मुझे, एक मिनट रुकिएगा, देखिए 2 हमने किया, फिर 3 किया, फिर 10 किया, तो 10 और 3 = 13 हो गया, फिर मल्टीप्लाई आया तो हाँ 13 × 2 = 26 हो गया, फिर हमने 8 को पुश किया, फिर 2 को पुश किया, आगे बढ़े तो मुझे भाग दिखेगा, तो मैं भाग किसी किसी बीच में करूँगा बेटा, 2 और 8 के बीच में करूँगा, तो 2 में से जब 8 को भाग करोगे तो आपका क्या बचेगा, आपका 2 × 8 तो आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो चलिए यहाँ तक आप देख लिए क्या,
इसको पहले आप नोट कर लीजिए या फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे मुझे देखिए, मुझे मिला था 26, अब मैं जब इसको दोनों को भाग करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4। तो देखो आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑपरेटर मिलेगा माइनस, तो जब 26 में से 4 को घटाओगे तो आपको क्या बचेगा 22, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 22। आप इस वीडियो को एक बार रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आया, फिर 2 के बाद 3 के बाद ऐसे 10 आया बेटा। जैसे ही आप प्लस दिखेगा तो ये देखो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 2 तो बचा ही था, 10 और 3 आपका 13 हो गया। आगे बढ़ने पर आपको देखो गुणा मिलेगा, तो इन तीनों का, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। फिर आप एक बार 8 को जोड़ोगे, फिर एक बार आप 2 को जोड़ोगे, जैसे ही आपको भाग मिलेगा इन दोनों को भाग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब भाग करोगे तो ये बनेगा आपका 4, और जैसे ही माइनस आएगा तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 22। क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट करके बताना, जो क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।